हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ICE कॉइन के बारे में। तो यदि आप ICE कॉइन की माइनिंग करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ICE कॉइन को लिस्ट करने का अपडेट आ गया है। जिस भी एक्सचेंज पर लिस्ट होना है दोस्तों, उसकी भी अपडेट आ गई है, और किस डेट को लिस्ट होना है उसकी भी अपडेट है दोस्तों। तो सारी अपडेट को इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वॉच कीजिएगा। यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे ICE का जो माइनिंग ऐप है उसको मैं ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमारे टोटल बैलेंस दिख रहे हैं, यहाँ पर माइनिंग रेट दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों रेफरल आपको दिख रहा होगा। और दोस्तों, जब किसी को आप शेयर करना चाहते हैं तो इनवाइट फ्रेंड पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो ये पेज आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर कॉपी लिंक है दोस्तों, इसी पर आप क्लिक करते हैं तो आपका लिंक कॉपी हो जाता है। फिर आप सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को रेफर कर देते हैं, और जब भी कोई उस लिंक से ज्वाइन करता है तो आपके वह डाउनलाइन में आ जाता है दोस्तों। यहाँ 24 घंटे में एक बार आप टाइप करते हो, उसके बाद में माइनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों लिस्टिंग से संबंधित। तो दोस्तों, जो एक्सचेंज लिस्टिंग के लिए अपडेट दिया है, उस एक्सचेंज को चलिए मैं ओपन करके आपको लाइव दिखाता हूं कि आखिर में वो एक्सचेंज पावरफुल है कि नहीं है। तो दोस्तों, मैं यहां से कट करता हूं और आपको डायरेक्ट लेकर चलता हूं Ncoin एक्सचेंज पर, जो अभी थोड़े दिन पहले CBDC की लिस्टिंग किया है दोस्तों, और एक पॉपुलर एक्सचेंज है, कोई छोटा मोटा एक्सचेंज नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं बैक करता हूं और आपको Ncoin एक्सचेंज पर लेकर चलता हूं। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे Ncoin एक्सचेंज को मैं ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा, जितने भी पॉपुलर कॉइन हैं, जो भी जो है पोटेंशियल वाले कॉइन है, सारे कॉइन यहाँ पर लिस्ट है दोस्तों। पुराना एक्सचेंज है और टॉप 10 में आता है दोस्तों, कोई छोटा मोटा एक्सचेंज नहीं है दोस्तों। इसलिए जो है, जो इन्होंने अपडेट दिया उस पर बिलीव करने लायक जैसी बातें हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख लिए होंगे कि Ncoin एक्सचेंज है, ठीक है ना, ये कोई छोटा मोटा एक्सचेंज नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी अपडेट की। तो इनकी अपडेट को देखने के लिए हमें Ncoin एक्सचेंज का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसको ओपन करना होगा, वहीं पर इन्होंने अपडेट डाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको भी कट करता हूं और इनके जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का पेज है उसको ओपन करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे Ncoin एक्सचेंज का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल उसको मैं ओपन कर लिया हूं दोस्तों। ये इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने जो है देख लीजिएगा, 2 जून को CBDC के बारे में बताया है। CBDC के बारे में दोस्तों इन्होंने बताया है। उसके बाद में ये देखिए दोस्तों, इन्होंने एक पॉपअप लगाया, ठीक है। इसको जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा ये पेज ओपन हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है CBDC लाइव हुआ था दोस्तों, इन्होंने उसकी अपडेट दिया है कि ओपन ट्रांजैक्शन 8 जून से किया गया था। अब दोस्तों इन्होंने बताया ICE नेटवर्क इट इज़ प्लानेड टू बी एट 16 ऑन यानी 16 टाइम यानी UTC टाइम का जो 16 बजे का दोस्तों वो बताया गया है July 7th ओपन ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शन ये ट्रेड कह रहे हैं दोस्तों कि 7 जुलाई से ICE नेटवर्क का स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा और नीचे एक अपडेट दिया गया, इसके बारे में मैंने कल भी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड किया था कि भाई Ncoin एक्सचेंज जो आपको एडॉप्ट दे रहा है उसकी लिस्टिंग भी करने जा रहा है बिग बेयर दोस्तों, ठीक है ना। इसकी भी लिस्टिंग 18 जुलाई को हो जाएगी। तो यदि आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जाकर क्लेम कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोग Ncoin एक्सचेंज का जो अपडेट है उसको आपने देख लिया है। इनके अनुसार से यानी Ncoin एक्सचेंज के अनुसार ICE की जो लिस्टिंग है वो 7 जुलाई को होगी, 7 जुलाई से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों चलते हैं ICE का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उनके द्वारा क्या अपडेट उस पर दी गई उसको देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे ICE का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल उसको मैं ओपन कर लिया हूँ। यहाँ इनका दोस्तों ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं दोस्तों। तो इन्होंने जो है देख लीजिएगा, 2 दिन पहले एक अपडेट डाला है दोस्तों, ठीक है ना। ये देखिए एक अपडेट डाला दोस्तों, इसमें इन्होंने बताया है देख लीजिए कि द ICE प्रोजेक्ट हैज़ नॉट ऑफिशियली लॉन्चेड, यानी ऑफिशियली लॉन्चेड अभी ICE प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, ठीक दोस्तों। एंड वी एक्सपेक्ट टू अनाउंस द डेट इन द नेक्स्ट 2 वीक आफ्टर दिस टेस्टिंग पीरियड एंड्स, यानी दोस्तों 2 वीक के बाद में अनाउंसमेंट करने के लिए इन्होंने कहा है कि हमारी जैसे ही टेस्टिंग खत्म होती है तो हम अनाउंस कर देंगे किस डेट को लिस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों 2 वीक इन्होंने कहा है, और अगर देखा जाए तो Ncoin एक्सचेंज पर भी जो है 8 जुलाई को कहा है। तो दोस्तों इनकी अपडेट उनकी अपडेट लगभग सेम है दोस्तों, 15 दिन का समय ये भी बता रहे हैं और लगभग 15 दिन बाद के समय वो भी लिस्टिंग कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 99% चांसेस हैं दोस्तों कि इनका जो माइनेट है वो 8 जुलाई को लाइव हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग जो है
स्वयं से एक बार जाके विजिट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। और मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये 8 जुलाई को लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि इनका भी अपडेट लगभग वही सेम जा रहा है दोस्तों, और एन कॉइन एक्सचेंज का जो अपडेट है लगभग सेम वही जा रहा है, और कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है दोस्तों, छोटा मोटा एक्सचेंज भी नहीं है, यानी फर्जी अपडेट देता रहेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है ये अपडेट मुझे जेन्युइन लग रही है, और अगर ऐसा होता है तो ये गुड न्यूज़ है आईसी माइनरों के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में कुछ इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।